हाय गाइस, दिस रेड एकेडमी और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट 26। ठीक है, मैं केवल 25 तक ही बना रहा था, लेकिन अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि सर अभी आप दो एटलीस्ट दो तीन और अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इसलिए 26 से मैं दो तीन और अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद PSC के बाद मैं 10-15 और अपलोड कर दूंगा, मेरे पास 50 टेस्ट इस तरह के। ठीक है, तो उन्हें अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जा करके रेड कलर की सब्सक्राइब बटन होगी उस पर क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, बाजू से बनी होगी उसके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया है, इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली सुनिश्चित करने से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली सुनिश्चित करने से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? एक दो। ठीक है, इसमें देखें तो जो पहला है, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से ना होकर के ग्रामीण तथा शहरी दोनों से, इसलिए दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, केवल दो। नेक्स्ट देखें, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, ठीक है, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, एंड डी है, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि साउंड को क्या है, एक मीडियम चाहिए। ठीक है, है ना, ध्वनि को गति करने के लिए, और वहाँ पे वो मीडियम नहीं है इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट देखें, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जलविद्युत परियोजना बनाई गई? दामोदर, भागड़ा, गंगा, सतलज। तो आप जानते हैं दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर परियोजना भारत की पहली परियोजना थी जो दामोदर नदी पर थी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? सी, इसका 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखें, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकार से, ग्रामीण वृद्धजना की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो किससे है? ग्रामीण बैंकिंग से। नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारिका, मानसरोवर, रामेश्वरम। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें से? मानसरोवर। ठीक है, इसमें चौथा जो है बद्रीनाथ है, ठीक है, जो उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लुई फिगो का संबंध किस देश से? पुर्तगाल, ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना। ठीक है, तो किससे है? पुर्तगाल से। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? दलवीर भंडारी, हीरालाल जेकानिया, डॉक्टर नगेन सिंह, बेनेगल रामाराव। तो कौन थे? बेनेगल रामाराव। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस में दिल्ली संतलत के वंशजों को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया है? ठीक है, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, गुलाम सैयद लोधी खिलजी तुगलक, गुलाम सैयद खिलजी तुगलक, गुलाम तुगलक खिलजी। ठीक है, इसकी मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसे एक बार याद रखेंगे तो आपको पूरा हमेशा रहेगा। ठीक है, इसकी है गुलाब खिले तो, अब देखो गुलाब खिलेगा तो क्या करना चाहिए? सांस लेना चाहिए अच्छे, ठीक है, सांस लो। ठीक है, अब देखो इसके मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या आएगा? गुलाम वंश। ठीक है, फिर, ठीक है, तो ये क्या है? गुलाम वंश। ठीक है, पहले गुलाब से क्या पूरा याद रखना? गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी वंश। ठीक है, ये कौन सा आएगा? ठीक है, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश एंड लोधी वंश। ठीक है, हर एक से एक एक है तो 5 वंश हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यही है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये जी, तो आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथन गलत कथन है। कंघी बनाने में निपुण है बंजारा, छीपा शिल्प झाबुआ में प्रसिद्ध है, कोरकू जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश की है, पिथौरा भित्तिचित्र भील जनजाति का है। इसमें देखें, अगर आप,
तो जो कोरकू जनजाति है पूर्वी मध्य प्रदेश की ना होकर के दक्षिण मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और मुख्यतः विशेषता ये जो है, ठीक है, किसमें, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, इसमें पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य का प्रकाश का परिवर्तन, सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुत्तर, तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घत्तन, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इसका क्या है, सी है, ठीक है, कि लघुत्तर जो होती है तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन होता है, SWR का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें, आतंक के राज शब्द का संबंध किससे? फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति, अमेरिकी क्रांति। किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट देखें, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, राम मोहन राय। तो किसने की? रविन्द्रनाथ, ठीक है, ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखें, देखो साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी ने की है, कि जबकि शांति निकेतन की किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखें, दुनिया में सबसे विशालकाय जंतु कौन सा है? नीली व्हेल, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी। तो कौन सा होता है? नीली व्हेल, ठीक है। जबकि स्थली पूछे तो फिर अफ्रीकन हाथी है, ठीक है, बट ये दुनिया का पूछा है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, गाजियाबाद, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है ये? गाजियाबाद में। नेक्स्ट देखें, परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, ND है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट देखें, कोई व्यक्ति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 11 के तहत तृतीय अपराध के लिए तृतीय अपराध के पश्चात वर्षीय किसी अपराध दंड का भागी होगा, ठीक है, कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 6 माह और जुर्माने दंडित, कम से कम, ठीक है, 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष और जुर्माने और दंडित होगा, एंड सी है कम से कम 1 वर्ष और अधिक 2 वर्ष और जुर्माने से दंडित, डी है मृत्यु दंड, ठीक है। तो जो इसका आंसर है क्या है, ठीक है, सी, एटलीस्ट 1 ईयर का उससे क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और जो मैक्सिमम कितना होगा, 2 ईयर का। नेक्स्ट देखें, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमालय उत्तराखंड हिमालय, एंड डी कश्मीर हिमालय। तो किसमें पाई जाती है? कश्मीर, ठीक है, हिमालय में। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? अवंती, चंड प्रद्योत, महासेना, बी है मगध उदयन, सी है कौशल प्रसेनजीत, एंड डी है लिच्छवी अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का संबंध मगध से है, न कि लिच्छवी से, ठीक है। तो डी गलत है इसका। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? अगरिया, कोल, सहरिया, पनिका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, कोल की। नेक्स्ट देखें, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनियम, वेनेडियम, ठीक है। तो किसका किया जाएगा? यूरेनियम का। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से 9000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है, ठीक है, डेविड वार्नर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम, ठीक है। तो जो कि वनडे में पूछा है तो कौन है? विराट कोहली। पोलो खेल का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम। तो कहाँ हुआ है? मणिपुर में। नेक्स्ट हम लोग देखें, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ठीक है। तो किस वंश का हुआ? सैयद वंश का। नेक्स्ट देखें, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील। तो कहाँ है? USA में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट देखें, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, सी दोनों में, डी कहीं भी नहीं। तो कहाँ की जा सकती है? दोनों में, ठीक है।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत कौन सी धारा असंबद्ध है? धारा 10 अपराध का दुष्प्रेषण, धारा 10 से सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति, धारा 13 कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 16 भी केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो क्या इसमें मिसमैच है? धारा 13 में कंपनियों द्वारा अपराध नहीं है, जबकि धारा 14 में ही। नेक्स्ट देखें, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, यहाँ तापमान सारे वर्ष नीचे रहता है, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई एक डांसिंग हिरण भी होती है, ठीक है, वो भी केवल मणिपुर में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई? 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, तो कब की गई है इसकी? 2010 में। नेक्स्ट देखें, संपदा स्कीम के शुभारंभ करने का क्या प्रयोजन है? संपदा का उद्देश्य कृषि का पूरक बनाना है, ठीक है, प्रसंस्करण का आधुनिकरण करना है, कृषि अवशिष्ट को कम करना। तो सही उत्तर चुनना है, तो ये तीनों ही सही आंसर इसके, ठीक है, रिलेटेड संपदा स्कीम से। नेक्स्ट देखें, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2025, 2030, 2028, 2035। ठीक है, तो कब तक किया है? इसका बी है 2030 तक। नेक्स्ट देखें, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड। तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित योग में कौन सम्मिलित नहीं है? दीवाने बंदगाह। ठीक है, कौन सा सम्मिलित है आपको बताना है? दीवाने बंदगाह फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तकराज बलवन, दीवाने कोई अलाउद्दीन खिलजी एंड दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है? केवल एक। नेक्स्ट देखें, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पार्थिव विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति से, घर्षण से। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, पार्थिव विकिरण से। ठीक है, सरफेस रेडिएशन जो होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट देखें, हम लोग मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग संविधान में किया गया है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74 और 75 में, एंड सी, ए और बी दोनों में, डी नहीं किया गया है। तो क्या है आंसर? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, देखिए इसमें जो है 74 और 75 में मंत्री परिषद है, ना कि कैबिनेट। यहाँ पूछा है कैबिनेट शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है? 74 और 75 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ना कि कैबिनेट। नेक्स्ट देखें, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं होता? विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य का गृह मंत्री। कौन नहीं होगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष। कंबाला के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबाला एक परंपरागत वार्षिक भैंसा दौड़ है। कंबाला आयोजन कृषक समुदाय द्वारा शिव के अवतार मंजूनाथ को समर्पित है। इसका आयोजन अच्छी फसल की और मवेशियों के स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। तो कंबाला तीनों अफेक्ट इससे सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखें, भारत नेट परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ही बदला हुआ नाम भारत नेट परियोजना है। दूसरा, यह परियोजना के डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे का उद्घाटन है। एंड तीसरा है, मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है? डी, तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार विष्णु चंचालकर का जन्म किस जिले में हुआ था? लास्ट टाइम पूछा था पीएससी में कि विष्णु चंचालकर क्या है। ठीक है, चित्रकार इस तरह से ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट, इसमें देखें इंदौर, सागर, होशंगाबाद, देवास। तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? देवास से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या है? पुष्प। नेक्स्ट देखें, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सा अभियान प्रारंभ किया है?
आर्थिक प्रसन्नता अभियान, गरीबी भारत छोड़ो अभियान, जन जागृति अभियान, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा किया है? गरीबी भारत छोड़ो अभियान। नेक्स्ट देखें हम लोग, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 375(2) के संबंध में निर्णय दिया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैर सरकारी संगठन इंडिपेंडेंट थॉट द्वारा यह धारा 375(2) के संबंध में जनहित याचिका दायर की गई है। इस धारा के अनुसार 15 से 18 वर्ष की शादीशुदा लड़की से उसके पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने अब इस धारा के अंतर्गत न्यूनतम सीमा को 18 वर्ष करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसके तहत भी क्या है, ये भी तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। इसका भी आंसर क्या है, ठीक है, D 1 2 3। ओके, नेक्स्ट देखें, शिवाजी का अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी सामंत मामलों की देखरेख करता था, पेशवा सचिव पंडित राव सुमंत। ठीक है, तो क्या कहते थे, सुमंत। पीएससी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने बोला था कि सुमंत जो था शिवाजी के यहाँ, उसका कार्य क्या था, तो ये रिवर्स उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, एंडी प्रशांत महासागरीय धारा। तो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, ये भी पीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में किस किस जगह दी गई है? प्रस्तावना, नीति, नहीं सकता, तो 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, एनडी है उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या है, उपरोक्त सभी में दी गई है। ठीक है, सामाजिक न्याय की अवधारणा। नेक्स्ट देखें, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो किसका नाम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम था जिसने लोगों की भावनाओं को इस तरह भड़काया जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ठीक है, तो भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, आर्म्स एक्ट, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलत, कौन सा था, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट देखें, इंदौर की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में कितनी रही? 4.64, 32.9 एंड 6.68, एंड डी है 10.24। तो एक ही आंसर आप कर सकते हैं, 32 पॉइंट क्योंकि सर्वाधिक थी 10 की जनसंख्या वृद्धि इंदौर की, और चूँकि मध्य प्रदेश की ये कितनी है, 20.3 है। ठीक है, 20.3 है। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा ही होगी क्योंकि टॉप पे है 10 की वृद्धि में इंदौर। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था उसमें ऐसा। ठीक है, प्रधानमंत्री वे वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसके देखिए, यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह योजना 5 वर्ष के लिए 10% मासिक देय का निश्चय रिटर्न सुनिश्चित करती है। यह योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऑफलाइन ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। इसमें देखें तो देखो, पहला भी रॉन्ग है क्योंकि 60 वर्ष से आयु है, और सेकेंड भी रॉन्ग है, तो ऑनली आंसर क्या है, 3। ठीक है, 3 करेक्ट है, LIC से ऑपरेट करती है। चेचक होने का कारण है रूबियाला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला और मिक्सो वायरस। ठीक है, तो कौन सा है, इसका बी, ठीक है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट देखें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स, वोल्टेयर, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। ठीक है, तो किसने की, ये प्रसिद्ध कार्ल मार्क्स की बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट देखें, भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है। बी, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है। दोनों की औसत ऊंचाई लगभग बराबर है, यह स्थिति अनिश्चित है। ठीक है, तो इसमें देखें, जो पश्चिमी घाट है उसकी औसत ऊंचाई क्या है, अधिक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? जॉर्ज यिलो, वेडरवर्न, कदमनी गांगुली, डीएन में से कोई नहीं। तो किसने की, वेडरवर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। ठीक है, सर्वाधिक गहरी कौन सी है, बैकाल झील। नेक्स्ट देखें हम लोग, संविधान किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का संविधान जोड़ा गया? ठीक है, 42वां, 44वां, 86वां, 97वां। तो कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखें,
त्रेपनी ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी कथाकार कृष्णा सोवती को त्रेपना, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है, ठीक है। मित्रों मरजानी उपन्यास के लिए 1980 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखें, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि इन्हें मित्रों मरजानी के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है। इनकी शायद जिंदगी नामा ऐसे करके एक और रचना है, उस पर दिया गया था, ठीक है। तो इसका सेकेंड रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा, हमारी व्यवस्था बहुत कुछ सूक्त की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारों से सभी अच्छी चीज़ें से लेकर थेम्स के तट पर डाल देती है, ठीक है। ए जॉन सलवन, फ्रेडरिक जॉनसोर, जॉनसोर इस्माइल मैरियन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या है, ए, ठीक है, जॉन सलवन। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय सन 1979 में कहाँ स्थापित किया गया, बैतूल, बालाघाट, गोविंदगढ़, अमरकंडक। कहाँ किया गया, बालाघाट 1979 में, जबकि सेकंड कहाँ किया गया 1980 में, बैतूल में। नेक्स्ट देखें हम लोग, ठीक है, कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है, लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो कौन जोड़ेगा, लिंकर। नेक्स्ट देखें, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी इंक्वायरी के लिए है, ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से नियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंधग्रस्त होते हैं, एनडी है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो क्या है इसका, तीनों इसके पॉइंट सही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा उद्घाटित 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन का पहला टर्मिनल अहमदाबाद के किस स्थान पर बनाया जाएगा, अक्षरधाम, साबरमती, आनंद, गोधरा। तो कहाँ बनेगा, साबरमती में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डांडी यात्रा किस स्थान से प्रारंभ की गई थी, नई दिल्ली, बारडोली, साबरमती आश्रम, पुणे। तो कहाँ से की गई थी, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, छठी, यानी नाबार्ड की पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इम्परफेक्ट नाम किताब के लेखक हैं, गुलजार, सलमान रश्दी, अरुंधति राय, संजय मजरेकर, ठीक है। तो कौन इसके राइटर है, संजय मजरेकर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें ओम्बुड्समैन की स्थापना सर्वप्रथम विश्व के किस देश में हुई, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, भारत, ठीक है। ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसे ओम्बुड्समैन कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ हुई थी सबसे पहले विश्व में, स्वीडन में, और भारत में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उपनाम और शहर बताना है, एड्रियाटिक की रानी, वेनिस, इटली, हवा वाला शहर, न्यूयॉर्क, लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड, आइस ऑफ क्लॉब्स, वेंजीवार। इसमें से आपको गलत बताना था, तो क्या है देखिए, इसमें हवा वाला शहर न्यूयॉर्क को नहीं कहते, न्यूयॉर्क को कहते हैं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, इसका अर्थ है गगनचुंबी इमारतों वाला शहर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, ये थी सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, भगत सिंह, मैडम भाकाजी कामा, ठीक है, भीकाजी कामा। तो कौन थे, भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था। हालांकि भगत सिंह इंस्पायर्ड जरूर थे, ठीक है, बट उनका रिलेशन नहीं था इससे। नेक्स्ट देखें, तानसेन के आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है, उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर, दतिया। तो कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, ठीक है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही है। मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है, स्थिरता को बढ़ाता है या कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना पैसे की बचत करता है, डी, उपरोक्त सभी। तो क्या है, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखें, इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ है, मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर। तो कहाँ पे, मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर 2017 को विभिन्न राज्यों में लोगों ने स्वच्छता हेतु श्रमदान किया, इस दिवस को क्या नाम दिया, मोदी दिवस, श्रमदान दिवस, सेवा दिवस, स्वच्छता दिवस। क्या नाम दिया गया, सेवा दिवस। ये क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं आपसे ये भी पूछ सकता है, सेवा दिवस किस मनाते हैं, तो 17 सितंबर, या सेवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाते हैं, तो मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, महासागर के अंतर्गत यह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है, थर्मोक्लाइन, महासागरीय ड्रिफ्ट, हेलोक्लाइन, महाद्वीपीय सेल्फ, ठीक है। तो कहाँ होती है, महाद्वीपीय सेल्फ, ठीक है, उसमें अचानक गिरावट आती है। 73 का क्या है, डी।
नेक्स्ट देखें भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, यूटीआई, ठीक है ना, तो उसकी पूछा है यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1953 में, 1956, 1964, 1969 में, कब की गई, 1964 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में। नेक्स्ट देखें डंकन पास किसके मध्य स्थित है, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ठीक है, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। अब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, पोलो, गोल्फ, क्रिकेट, तो किससे है, क्रिकेट से, ठीक है, अगर आप ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड कर रहे हैं तो आउट करार देता है एम्पायर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखें निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज, किसका नहीं है, सतलज का। नेक्स्ट हम लोग देखें गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन मुक्ता इसलिए किया, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके, रैमजी मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक नीतियां की घोषणा की, सरकार के वायदे के विपरीत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या है, रैमजी मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायण जो था उसके कारण किया था, है ना। नेक्स्ट देखें राजमाता विजय राजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, रीवा, सागर, भोपाल, इंदौर, तो कहाँ की जा रही है, भोपाल में। नेक्स्ट देखें इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है TCP/IP, जावा, HTML, फ्लैश, ठीक है, तो क्या है, TCP/IP। नेक्स्ट देखें भूरे लाल समिति का संबंध है मोटर वाहन करों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय, कृषि साख, प्रतिपूर्ति घोटाला, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, मोटर वाहन करों में वृद्धि। नेक्स्ट देखें 2017 में US ओपन दिवस टूर्नामेंट 2017 महिला एकल खिताब निम्न से किस खिलाड़ी ने जीता, ठीक है, सेरेना विलियम्स, स्लोएन स्टीफन्स, गार्विन मुरुगुजा, एंजेलिक करवक्त, किसने जीता, स्लोएन स्टीफन्स, ये USA से ही है, ठीक है, मैंने करंट पे से करवाया भी है, तो एटलीस्ट आप करंट का वीडियो जरूर देखें, चार वीडियो हैं करंट के, MP, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड वन कम्बाइन है, तो उन्हें उन वीडियो को आप देखें, आपका करंट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, दीन इलाही, सरफरोश, खुदाई खिदमतकार, आज़ाद हिंद फौज, तो क्या कहते थे, खुदाई खिदमतकार, और इनका आंदोलन का नाम था खुद को रेड शर्ट, है ना, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक्जिम, आथेतु वित्त, RBI बैंकों का बैंक, RDBI औद्योगिक वित्त, FCI कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, डी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म FCI। नेक्स्ट देखें खैबर दर्रा कहाँ है, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, तो कहाँ है, पाकिस्तान में, बाबर इसी दर्रे से होकर के भारत में आया था, ठीक है, ये सिकंदर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2016 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, तेलुगु फिल्म निदेशक के विश्वनाथ को 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, यह वह इस पुरस्कार का 48वां संस्करण था, ठीक है, तो क्या है, दोनों सही हैं, 48वां, ठीक है, पुरस्कार जो मिला है उसे के विश्वनाथ जी को मिला है, ये साउथ के हैं, ठीक है, और किसके हैं, तेलुगु के हैं, आपने साउथ की मूवी देखा होगा तो एक दादाजी का किरदार करते हैं, बहुत ही सीधा साधा फैमिली एंड मूवी बनाते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट वाली मूवी, यानी कि एक प्रेस्टीज है फैमिली को शो करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा में परिभाषित निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, धारा 21F अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धता, 21H राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 21K अधिसूचना, 21J राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या है, बी, 21H राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट देखें हम लोग कासांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो किससे है, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखें हम लोग मध्य प्रदेश में रेशम पालन का सीनेटिव कहाँ चलाई जा रही है, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, तो कहाँ चलाई जा रही है, विदिशा में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें पहला कंप्यूटर वायरस है क्रीपर, ससर, ब्लास्टर, उपरोक्त सभी, तो कौन सा है, पहला क्रीपर।
निम्न में से किस हिंदी साहित्यकार को 8 दिसंबर 2017 को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई? ममता कालिया, सुरेंद्र सिंह, विजय कुमार, रविश कुद। किसे घोषणा की गई? ममता कालिया को। नेक्स्ट देखें, भारत के सबसे लंबे झूलते हुए पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2017 को किया। वह पुल कहाँ है? कोटा राजस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कोची केरल। कहाँ है? कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट देखें, भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है? दूर संचार, कपड़ा उद्योग, टेलीमेट्री, खगोल विज्ञान। क्या है? दूर संचार। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। कौन है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखें, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में। तो कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड ह्यूमन इन द एनवायरनमेंट का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन, नीदरलैंड। ठीक है, तो कहाँ पे है? वाशिंगटन में। नेक्स्ट देखें, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध हैं? गैर जमानती है, संघीय, समनी। ठीक है, है ना। नेक्स्ट देखें, जमानती, संघीय, असमनी, जमानती, असंघीय, समनी, गैर जमानती, संघीय, असमनी। ठीक है, तो कौन सा है? डी, नॉन विलेबल है, कॉग्निबल है, ठीक है, और नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक है, ये तीनों शब्द का अर्थ होता है गैर जमानती का। इसका अर्थ, इसके अंतर्गत आपको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसे बेल कहते हैं, अर्थात बेल नहीं होगी। कॉग्निबल का अर्थ है, ठीक है, संघीय का, कि जो आपको पुलिस अधिकारी है वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। एंड नॉन कंपाउंडेबल के हैं असमनी, कि इसका अर्थ है आपका इसके ऊपर क्या होगा, आप इसमें आपसी समझौता नहीं कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अधिकतर PSC में कोई एक भी पूछ लेता है कि ये किस वैरायटी के हैं। नेक्स्ट देखें, अकबर के शासनकाल में जमीन पर हर साल खेती होती थी और उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे कहते थे पूलज प्रतिचाहर बंजर। ठीक है, तो कौन से कहते थे? पूलज। नेक्स्ट देखें, इसमें मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव। ठीक है, तो किसके करता है? गृह सचिव। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? कमल कांत त्रिपाठी, TM कृष्णा, PC सनगुनम, प्रोफेसर जॉन रोज। तो किसे किया गया? PC सनगुनम। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया। ये टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही इसे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, इसके बाद मैं और टेस्ट अपडेट कर रहा हूँ, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और PSC के पहले इन टेस्ट सभी टेस्टों का एटलीस्ट आप पढ़ाई तो आप कर ही चुके हैं, एक बार इनका रिवीजन करके ज़रूर जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।